हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसी फाइड उम्मे। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स वरी कर रहे हैं कि वीज़ा नहीं आ रहा, तो आज मैं आप लोगों को ज़रा लेटेस्ट प्रोसेसिंग टाइम्स बता रही हूँ वीज़ा के, जो डिफरेंट यूके की वीज़ा कैटेगरीज के लिए इस टाइम लग रहा है। और उम्मीद करती हूँ कि इससे आपकी थोड़ी सी परेशानी कम हो जाएगी। तमाम स्टूडेंट्स वो जो सेप्टेम्बर इनटेक वाले थे, जिनकी इनटेक सब स्टार्ट भी हो चुकी हैं और वीज़ा अभी तक नहीं आया, प्रोसेसिंग में है, वो लोग बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को भी मैं बता दूं कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वीज़ा आपका आ जाएगा, लेकिन अभी क्योंकि थोड़ा सा डिले है प्रोसेसिंग में, तो आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है और आपको वेट करना पड़ रहा है। लेकिन इसमें आप ये कर सकते हो कि आप अपनी यूनिवर्सिटीज से कॉन्टैक्ट करो और उनको बताओ कि हमने वीज़ा इतने दिनों से प्रोसेसिंग में दिया हुआ है, अभी तक हमें वीज़ा नहीं मिला, तो जैसे ही हमें वीज़ा मिलेगा वी विल ट्रैवल, लेकिन आप हमें अगले महीने तक की कोई एक्सटेंशन दे दें। तो मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ एक्सटेंशन दे देती हैं ईजिली और आप थोड़ा सा लेट ट्रैवल कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आता। या फिर आप अपनी क्लासेस यहीं से बैठ के भी स्टार्ट कर सकते हो और जैसे ही आपका वीज़ा आए तो आप वहां पर जाकर फिजिकल क्लासेस वो आप ले सकोगे, ठीक है। तो डिफरेंट वीज़ा कैटेगरीज का मैं आज आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कंप्लेंट भी आती है ये कि आप सिर्फ स्टडी वीज़ा वालों को क्यों बताती हैं, हमने भी वीज़ाज लगाए हुए हैं और डिफरेंट कैटेगरीज में, स्पाउस वीज़ा है, किसी का वर्क वीज़ा है, तो हमें आप कोई अपडेट क्यों नहीं देती हैं। तो आज मैं तमाम वीज़ा कैटेगरीज को कवर कर रही हूँ और सबके बारे में मैं आपको बताऊंगी बारी बारी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विजिटर वीज़ा। तमाम वो लोग जिन्होंने 6 मंथ्स विजिटर वीज़ा अप्लाई किया है या कोई भी और वीज़ा कैटेगरी जो है विजिटर वीज़ा की, लॉन्ग टर्म विजिटर वीज़ा वगैरह जैसे होता है, वो अप्लाई किया है, उनको इस वक्त करंटली 7 वीक्स या उससे भी ज़्यादा का टाइम लग रहा है, जो कि नॉर्मली 3 हफ्ते का लगता है। ये gov.uk की वेबसाइट के ऊपर मेंशनड है टाइम फ्रेम, उन्होंने लिखा हुआ है कि तमाम विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशंस को इस वक्त करंटली 7 वीक्स से ज़्यादा या 7 वीक्स का टाइम लग रहा है। तो तमाम वो लोग जिन्होंने विजिटर वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, उन्हें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा और वो अपना टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब उन्होंने एप्लीकेशन दी है उससे अब तक उनके कितने वीक्स बने हैं। नेक्स्ट है जी ट्रांजिट वीज़ा। तमाम वो लोग जो कि शॉर्ट टर्म ट्रांजिट वीज़ा लेते हैं, जैसे वो किसी और कंट्री जा रहे हैं लेकिन यूके से वो चाहते हैं कि थोड़ा सा 1-2 दिन का उन्हें ट्रांजिट वीज़ा मिल जाए ट्रैवलिंग के दौरान, उनको भी इस वक्त 7 वीक्स का टाइम लग रहा है और नॉर्मली ये वीज़ा 3 वीक्स में आ जाता है ट्रांजिट वीज़ा। वर्क वीज़ा, तमाम जो tier 2 के जो वीज़ाज होते हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़ा और तमाम डिफरेंट वर्क रिलेटेड जो कैटेगरीज हैं, उनको इस वक्त 4 वीक्स का टाइम लग रहा है, जिसको वो रिड्यूस करके 3 वीक्स पे जो उनका नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम है उसमें वो वापस लाना चाह रहे हैं। लेकिन अभी इस वक्त वर्क वीज़ा की एप्लीकेशंस को ऑलमोस्ट 4 वीक्स लग रहे हैं और ये इतना ज़्यादा डिले नहीं है, तो आप लोग वेट भी कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट टू। तो आप लोग पेड इंक्वायरी भी कर सकते हो, बट आई वॉन्ट रिकमेंड डूइंग दैट। आपको मैं यही कहूँगी कि आप थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि एक दफा जब आपका पासपोर्ट उनके पास चला गया है तो ऑब्वियसली उन्होंने आपको वापस तो करना ही है, जल्दी करें या देर से आपको आपका पासपोर्ट मिल जाएगा। तो आप 4 वीक्स इंतजार कर लो और उसके बाद अगर आपका नहीं आता पासपोर्ट तो फिर आप उन्हें पेड इंक्वायरी कर सकते हो कि आई हैव वेटेड फॉर 4 वीक्स टाइम फ्रेम विच यू हैव मेंशनड ऑन योर gov.uk वेबसाइट, बट माई पासपोर्ट डिडेंट केम बैक, सो दैट्स वाई नाउ आई एम डूइंग अ पेड इंक्वायरी। क्योंकि इससे एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा, अगर आप उनके प्रोसेसिंग टाइम में जो उन्होंने मैंशन किया हुआ है उस प्रोसेसिंग टाइम के दौरान ही आप पेड इंक्वायरीज करना शुरू कर देते हो तो थोड़ा सा आपका बैड इंप्रेशन जाता है कि आपने अपना पूरा टाइम जो उन्होंने आपको एक दिया हुआ है वो आपने वेट नहीं किया और आप पहले से ही उन्हें पेड इंक्वायरीज करना शुरू हो गए हो। तो आप लोग जो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम है 3 हफ्ते का या 4 हफ्ते का, वो आप सबर से गुजारो और अगर उसके दौरान आपको कोई मैसेज या ईमेल नहीं आता पासपोर्ट कलेक्शन का, देन आफ्टर दैट ओनली यू कैन डू अ पेड इंक्वायरी, वो आपका केस ज्यादा स्ट्रांग भी करेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं जी फैमिली जो वीजाज होते हैं और आपके जो भी जितने फैमिली रिलेटेड, यानी कि स्पाउस वीज़ा हो गए, डिपेंडेंट वीज़ाज हो गए, सेटलमेंट वीज़ाज जो हो गए, ये वाले जो तमाम वीज़ा कैटेगरीज हैं इनको लगता है 24 वीक्स का टाइम, ये इनका नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम है और इसके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज या डिले नहीं आया है, अभी भी 24 वीक्स ही लग रहे हैं और ये एक अच्छा बड़ा टाइम है, ऑलमोस्ट 6 महीने ये बन जाते हैं। तो आप लोग जब जिन्होंने भी सेटलमेंट की या स्पाउजल वीज़ा की एप्लीकेशंस डाली हुई हैं उन्हें इतना ही टाइम लग रहा है, तो इस दौरान में आप लोग वेट कर सकते हो और आपको उनको बार बार कॉन्टेक्ट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। दैट अगेन डिपेंड्स ऑन योर ओन पर्सनल चॉइस कि आप क्या करना चाहते हो, लेकिन ये उनका नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम है। ज्वाइंट फैमिली इन द यूके की जो ये वीज़ा कैटेगरीज हैं इसके अंदर एक और सब कैटेगरी है फैमिली रीयूनियन की।
जिसमें आप अपनी फैमिली को विजिट के लिए जाते हो, या वो वीज़ा जो आपका होता है फैमिली रीयूनियन का, उस वीज़ा को प्रोसेस होने में 12 वीक्स का टाइम लगता है, यानी कि 3 महीने का नॉर्मल टाइम है, और उसमें भी किसी किस्म का कोई डिले नहीं है, ये भी नॉर्मली ही चल रहा है। तो अगर आपने फैमिली रीयूनियन कैटेगरी में वीज़ा डाला हुआ है तो आपको 3 महीने लगेंगे आपका पासपोर्ट वापस मिलने के लिए। अब आ जाते हैं सबसे आखिर में हमारी सबसे जो पॉपुलर कैटेगरी है, स्टडी वीज़ा की कैटेगरी। तो जी हाँ, स्टडी वीज़ा यूके की जो कैटेगरी है gov.uk की वेबसाइट के मुताबिक, उसमें किसी किस्म का कोई डिले नहीं है और 3 वीक्स का टाइम उन्होंने वहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि 3 वीक्स में हम स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशंस को प्रोसेस कर रहे हैं। बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में इस टाइम करंटली 4 से 5 हफ्ते, या आप कह सकते हो 3 से 5 हफ्ते लग रहे हैं स्टडी वीज़ा के जो पासपोर्ट्स हैं उन्हें वापस आने के लिए। और ये एक ज़्यादा लंबा टाइम है, क्योंकि स्टूडेंट्स का इस वक्त बहुत ज़्यादा एक फंसे हुए हैं स्टूडेंट्स के, उनका वहाँ से पढ़ाई शुरू हो चुकी है और यहाँ से वीज़ा डिले है। तो मैं आप सबको यही मशवरा दूंगी कि आप लोग उन्हें पेड इंक्वायरी कर सकते हो 3 वीक्स के टाइम के बाद, जो कि उनकी वेबसाइट पर मेंशन है। 3 हफ्ता तो आप वेट करो और उसके फौरन बाद आप उन्हें पेड इंक्वायरी करो, और जैसे मैंने पहले बताया कि आप उन्हें लिखो कि मैंने आपका नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम जो था 3 हफ्ते का, वो मैंने वेट किया है, बट मुझे कोई पासपोर्ट मेरा वापस नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं अब ये पेड इंक्वायरी कर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई ऑलरेडी शुरू हो चुकी है एंड आई एम इन नीड ऑफ गेटिंग माई पासपोर्ट एंड वीज़ा। तो ठीक है, इस तरीके से आप उन्हें पेड इंक्वायरी करें एंड आई होप कि आपका वीज़ा जल्दी आ जाएगा। लेकिन वीज़ाज आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपका पासपोर्ट रोक लेंगे या आपको वीज़ा नहीं देंगे। डिले का मतलब ये नहीं है कि आपका वीज़ा नहीं लगेगा, वीज़ाज लग रहे हैं, मिल रहे हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन थोड़ा सा डिले आ रहा है। और बीच में अभी कुछ इस वीक, जैसे मंडे को भी ऑफ था क्वीन के फ्यूनरल की वजह से, तो वो थोड़ा सा एक स्लाइट डिले मजीद उसमें आया है। तमाम वो स्टूडेंट्स जो मुझे क्यूरी कर रहे थे कि 19 से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, 19 यहाँ पर छुट्टी थी, आपकी क्लासेस उसके बाद ही स्टार्ट हुई होंगी, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को मेल करो और उन्हें आप कहो कि मैं ऑनलाइन जो है मटेरियल्स से पढ़ सकता हूँ और पार्टिसिपेट कर सकता हूँ क्लासेस में, बट मैं फिजिकल ज्वाइन तभी करूँगा नेक्स्ट मंथ जब मेरा वीज़ा आ जाएगा। आप उन्हें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा करके ही बताओ, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको नहीं पता होता आपका कितना टाइम लगेगा। आप उन्हें नेक्स्ट मंथ का ही बोलो कि आई कैन ओनली कम इन अक्टूबर, जब मेरा वीज़ा मुझे मिल जाएगा। आई होप कि इससे आपको एक थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो वरी कर रहे थे कि हमारे वीज़ाज क्यों नहीं आ रहे, उन्हें पता लग गया होगा। उनकी वेबसाइट पर तो कोई डिले मेंशन नहीं है, बट एक्चुअल में करंटली डिले आ रहा है बहुत ज़्यादा, 1-1.5 हफ्ते का डिले आ रहा है, और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। बीच में आपको पता है क्वीन की डेथ, फिर सारा उससे रिलेटेड सारा एक प्रोसीजर था, फिर साथ में जो है इनका वॉर का भी अभी तक उधर भी इन्होंने दिए हुए हैं। और जब आप उनको पेड इंक्वायरी करते हो तो वो उसके रिस्पॉन्स में आपको ये लिख के भेजते हैं कि क्योंकि यूक्रेन वॉर की वजह से हमारा स्टाफ जो है ज़्यादा वो उधर उनके वीज़ाज को डील करने में बिजी है, इसलिए बाकी वीज़ा कैटेगरीज में हमारा एक बैकलॉग आ रहा है। साथ और भी बहुत सारे रीजंस हैं जो मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में मेंशन कर चुकी हूँ, जो कि मैं आपको एंड पर एक उनका एक लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकोगे। सो आई होप कि आज की वीडियोस आपको हेल्प मिली होगी। इफ़ यू लाइक टुडेज वीडियो देन गिव दिस अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली हु ऑल्सो वॉन्ट टू कम टू यू के, एंड आई विल सी यू गाइज इन एनदर वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।